भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट से चर्चा में रहते हैं। धवन को अक्सर सोशल मीडिया पर खुश देखा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं। शिखर धवन के साथ भी ऐसा ही है। उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल के दौर चल रहे हैं। धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया और इसकी वजह जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली भारतीय मूल की आयशा मुखर्जी के साथ 2012 में शादी की थी, लेकिन 2021 से ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं। 4 अक्टूबर को दिल्ली की पटियाला हाउस की फैमिली कोर्ट ने इन दोनों के बीच तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने तलाक की वजह आयशा मुखर्जी द्वारा धवन का मानसिक उत्पीड़न बताया है। आयशा मुखर्जी ने 9 साल तक चली शादी में धवन को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी प्रताड़ित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद आयशा मुखर्जी ने धवन पर दबाव बनाकर ऑस्ट्रेलिया में उनकी 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक हासिल कर लिया, जबकि 2 संपत्तियों में बराबर की हिस्सेदार है। कोरोना काल में उन्होंने शिखर धवन को उनके पिता से मिलने से भी रोका था और इसी मुद्दे पर उनकी जमकर लड़ाई भी हुई थी। इसके साथ ही आयशा ने धवन के दोस्तों और बीसीसीआई के अधिकारियों को उनके खिलाफ अपमानजनक मैसेज भी भेजे थे। इन्हीं वजहों से धवन ने अलग होने का फैसला किया था, जिसे अब कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आयशा ने 2021 में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से शिखर से अलग होने की जानकारी दी थी। बता दें शिखर धवन का आयशा मुखर्जी के साथ एक बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शिखर जोरावर से भारत या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मिल सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि धवन एक अंतर्राष्ट्रीय और मशहूर खिलाड़ी हैं, देश का गर्व है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो भारत सरकार उनकी मदद कर सकती है। बता दें शिखर धवन इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। हालांकि धवन ने अभी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और वो भारतीय टीम में वापसी करने के लिए जमकर मेहनत भी करते हैं, लेकिन अब शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों ने उनकी जगह ले ली है और उनकी वापसी अब थोड़ी मुश्किल दिख रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को जानने और समझने के लिए क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।